ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे देख सकते हैं ये फ़ोन स्टार्ट है लेकिन बिना कुछ किए ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसका वीडियो में करके आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए जैसे कि ये फ़ोन बंद हो गया ऑटोमेटिकली फिर रिस्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस फ़ोन को पहले खोल लेना है। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल पर आप नए होंगे तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले यहाँ से इसको निकाल देना, ठीक है। जैसे निकालते हैं उसके बाद देखते हैं फिर ये अभी भी वैसे ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से बोर्ड को यहाँ से पहले हटाते हैं, ठीक है। बैटरी को रिमूव किए उसके बाद बोर्ड को यहाँ से पहले हटा लेते हैं। उसके बाद इसको फिर से हम इंसर्ट करते हैं, बोर्ड को निकाल लेते हैं यहाँ से, उसके बाद डायरेक्ट ऑन करके ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। देख सकते हैं ये फ़ोन अभी स्टार्ट है। अब चेक करते हैं यहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं। देख सकते हैं नो कमांड वाला ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन खुल गया, ठीक है। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है कि मतलब ये प्रॉब्लम यहीं से है। इसको फिर से हम एक मतलब यहाँ से निकाल के ऑन करके बोर्ड को साइड करेंगे, ठीक है। जिससे फ़ोन ऑन होता है उसके बाद बोर्ड साइड कर देना है। जिससे ऑन हुआ उसके बाद बोर्ड को यहाँ से निकाल लेना है। अब देखते हैं क्या होता है, फोन पूरा सही तरीके से ऑन होके खड़ा हो रहा है या उसी तरह रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक। पर इस फोन को पहले स्टार्ट होने दें। बोर्ड बिल्कुल यहाँ नहीं लगा हुआ, ठीक है, नीचे है, ठीक है। देख सकते हैं आप ये बोर्ड नीचे है। कुछ देर रहने देते हैं तब जाके पता चलेगा। देख सकते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस वीडियो में आप जुड़े हुए रहे तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे इस तरह करने से नहीं हुआ प्रॉब्लम सॉल्व आपका, तो यहाँ से आपको शायद ये कोई दुकान में काम किया हुआ है। बोर्ड को निकाल लेते हैं, बैटरी भी शायद छिड़ा हुआ है। माइक्रोस्कोप में जरा देख लेते हैं।
थोड़ा सा वेट कर लीजिए ना, अभी हम अपने बोलो ठीक। इसमें जो है एक दूसरे से सॉर्ट कर देना, ठीक है? जैसे आप देख सकते हैं ये जो है, ये फ्यूज है बैटरी का, इसको एक दूसरे से सॉर्ट कर देना, इसको सेट करके हम चेक कर लेते हैं मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। आपको भी सेम इसी तरह करना है, बैटरी का जो फ्यूज लगा हुआ रहता है उसमें क्या करना है कि एक दूसरे से जंपरिंग करके सॉर्ट कर देना, ठीक है? उसके बाद फोन को हम स्टार्ट करके हम चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम सही हुआ या नहीं। और मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें। लग रहा है ये फ़ोन ओके हो चुका है क्योंकि इतना देर उन्होंने नहीं लगता। दूसरी बात, हम पिन डाल के हम चेक कर, जैसे आप देख सकते हैं तभी ये ओपन नहीं हो पा रहा था, अभी ओपन पूरे तरीके से हो चुका है।